केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी रहे आप और एक आपको नई जो जिम्मेदारी मिली है, कैसा लग रहा है आपको एक नई जिम्मेदारी? ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी 30 साल की राजनीतिक यात्रा में भारतीय जनता पार्टी ने अनेक पदों पर, अनेक दायित्व पर काम करने का अवसर प्रदान किया और ये सब भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, दूसरी पार्टी में संभव नहीं है। इसमें एक छोटा कार्यकर्ता भी अपने परिश्रम, अपने निष्ठा के बदौलत बड़े बड़े दायित्व पर जा सकता है। जी सर, ये आप यहाँ पे जब चुनाव हो रहा था तो काफी काफी बातें हुई, काफी वादे हुए लोगों से, यहाँ की जनता से, आप लोगों ने भी काफी वादे किए हैं और उसके आधार पे मुझे ऐसा लगता है कि काफी सहयोग भी मिला यहाँ की जनता का और आप सरकार में। इन वादों को पूरा करने में, चूंकि जो हमारी जो जानकारी है कि यहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी है, ये तो आप ही बता पाएंगे, आपके हाथ में भी सत्ता है, और दूसरी बात है कि ऐसी स्थिति में यहाँ के वादों को पूरा करना, जो मोदी जी की गारंटी है उसको पूरा करने में क्या क्या आप क्या योजना है उसके बाद? देखिए, आज छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बढ़ा है और हमारे देश के यशस्वी जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उस पर बढ़ा है। और छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है और एक ट्राइबल बाहुल प्रदेश है और ट्राइबल लोगों के लिए भी जितना भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है कोई दूसरी पार्टी ने नहीं सोचा है। आज अटल जी की सरकार में ट्राइबल लोगों के हित में पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन, आज देश का जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का, वहाँ पर आदिवासी समाज की एक महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विराजमान है और जितने भी प्रदेश, चाहे आज देश में भी मोदी जी की सरकार चल रही है, तो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इसको मूल मंत्र मानते हुए, और इसमें सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को ही फायदा हो रहा है, तो स्वाभाविक है छत्तीसगढ़ में इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चौथे बार पहले से भी ज़्यादा सीट से और ज़्यादा वोट प्रतिशत से यहाँ पर सरकार बनी है। पिछले बार जरूर 2018 के चुनाव में यहाँ की जनता ठगा गई थी, कांग्रेस पार्टी का जो बड़ा लोक लुभावन वादा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 5 वर्षों में एक भी वादा पूरा नहीं कर पाया। इस बार जब हम लोग चुनाव प्रचार में जाते थे तो स्वयं जनता बोलती थी, मतदाता बोलते थे कि ये दारिनी ठगान, पिछले दारी ठगा गए ने दारिनी ठगान, और जनता ने मतदाता ने करके दिखा दिया। सर, क्या स्थिति है अभी राज्य सरकार के अर्थव्यवस्था की, क्या स्थिति है? आपको क्या लगता है कि इन सारी चीजों को कैसे करेंगे, कैसे आप मैनेज करेंगे? देखिए, अर्थव्यवस्था तो यहाँ की बहुत खराब है, 5 वर्षों में इन्होंने इतना कर्जा छत्तीसगढ़ के ऊपर में लाद दिया है जितना हम लोगों ने 15 साल में कर्जा में नहीं लादा, करीब 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा छत्तीसगढ़ सरकार ने, मतलब छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर इन 5 वर्षों में लादा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अब डबल इंजन की सरकार हो गई है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई भी रास्ता निकालेंगे और मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से किया है उसको आने वाले 5 साल में 100% पूरा करेंगे। और वैसे भी छत्तीसगढ़ संपन्न राज्य है, यहाँ की मिट्टी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, यहाँ खनिज संसाधन भरपूर हैं, अगर सरकार की नीति ठीक हो, नियत ठीक हो, तो रास्ता जरूर निकलेगा। सर, आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में काफी धर्मांतरण का मुद्दा है, बस्तर क्षेत्र में भी काफी चुनाव से पहले भी काफी आया और आप लोग भी लगातार उसपे दोनों पार्टियों के बीच नारा प्रत्यारोप का दौर हुआ, ऐसी स्थिति में इसको दूर करने के क्या प्रयास करेंगे, किस तरह से आपकी योजनाएं?
देखिए, पिछली सरकार में धर्मांतरण जोरों पर हुआ और शिकायतकर्ता के ऊपर ही कार्रवाई होती थी, और मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए धर्मांतरण को बढ़ावा देते रही। कहे कि जो धर्मांतरित हो जाता है वो फिर मतलब भारतीय जनता पार्टी से तो अलग हो ही जाता है, लेकिन ऐसा इस समय कुछ भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होने देंगे, धर्मांतरण पर रोक लगेगी। सर, एक जो लगातार बात आ रही थी, अमित शाह जी आते थे, नरेंद्र मोदी जी आ रहे थे, लगातार ये बातें हो रही थी कि हम कानून बनाएंगे, क्योंकि मुझे याद है, शायद आपको इस बारे में बेहतर जानकारी होगी कि यहाँ तो एक कानून है ही धर्मांतरण को लेकर, तो क्या हम नया कानून लेकर आएंगे या फिर उसी को ही बेहतर करने की कोशिश करेंगे? देखिए, अभी तो सरकार बने मुश्किल से मतलब 5-7 दिन ही हुए हैं, और अभी हम लोग जो जरूरी काम है, आवास देने का काम, 2 साल का बोनस देने का काम, महतारी बंधन योजना वगैरह करेंगे। धर्मांतरण भी यहाँ पर सख्ती से रुके, उसके लिए पूरा प्रयास होगा। कानून की समीक्षा कर लेंगे, उसमें और सुधार करना होगा या क्या करना होगा वो समय आने पर निर्णय लेंगे। एक नक्सल को लेकर लगातार बात हो रही थी, आपने चार्ज लिया, उसके बाद भी ये घटना हुई और आपने उसमें कड़ाई से करने का आदेश दिया। नक्सल से निपटने के लिए, एक बहुत बड़ी समस्या है राज्य की, उससे निपटने के लिए क्या योजना है आपकी सरकार के पास? देखिए, 15 वर्षों में भी जब हमारी सरकार थी तो मजबूती के साथ नक्सलवाद से लड़े, और जब कांग्रेस का गवर्नमेंट आ गया तो उनको बढ़ावा मिला। वो लोग तो बोलते थे कि हमारी सरकार आ गई, लेकिन अभी जब से सरकार यहाँ पर बदली है, बोकलाहाट उनमें आ गया है और कायराना हरकत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमने अधिकारियों का बैठक लेके उनको निर्देश किया, उसके बाद तत्काल पुलिस एक्शन में भी आ गई है, नक्सली पकड़े भी गए हैं, और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री वो भी मतलब नक्सलवाद खत्म करना चाहते हैं, तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर निश्चित रूप से नक्सलवाद से मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। सर, आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पे एक और बड़ी समस्या है, मुझे ऐसा लगता है कि नक्सलवाद के लगभग लगभग बराबर समस्या है, वो है हाथी की समस्या। बहुत लोगों की जान गई है, हाथी भी प्रभावित क्षेत्रों में, वन्य प्राणी जो हाथी है उसकी भी होगी, इसके लिए निपटने के लिए क्या योजना है? हाथी की समस्या बड़ी समस्या है, और हम जिस जिले से आते हैं वहाँ भी हाथी की समस्या है, और दिनों दिन इनकी संख्या बढ़ रही है। अपनी जब सरकार थी तो हम लोग कुछ इसके लिए उपाय किए थे, अभयारण्य वगैरह बनाकर, लेकिन फिर सरकार चेंज हो गई तो इस सरकार में कोई खास पहल नहीं हुआ। एक ये बड़ी समस्या है, निश्चित रूप से इस पर भी सरकार विचार करेगी और जो भी अच्छा से अच्छा होगा करेंगे। सर, आप जिस क्षेत्र से आते हैं सर गुजरात, जहां आप लोगों को बड़ा मैंडेट मिला है और एक ट्राइबल कम्युनिटी से आप आते हैं, वहां पे माइनिंग की बहुत बड़ी समस्या है, काफी दिनों से, काफी सालों से वहां प्रोटेस्ट हो रहा है माइनिंग को लेकर, उसमें गवर्नमेंट का क्या स्टैंड रहेगा उसको थोड़ा बताएंगे? देखिए, इस बार सरगुजा संभाग जहाँ से हम आते हैं, कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ हो गया है, 14 की 14 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, और जहाँ तक माइनिंग की बात है उसको देखेंगे। हम लोग माइनिंग मत हो, उद्योग धंधा मत खुले, इस पक्ष में नहीं है, कह के ये सब आवश्यक है रोजगार बढ़ाने के लिए, और सरगुजा संभाग में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावना है, वहाँ वनों से आच्छादित है, जलप्रपात वगैरह बहुत हैं, तो हमारा मुख्यमंत्री के नाते प्रयास होगा कि पर्यटन के क्षेत्र में भी वहाँ पर बढ़ावा मिले, ताकि कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में बढ़ावा होगा, कहीं माइंस हो जाता है, कल कारखाने खुलते हैं तो लाभ के साथ साथ दूसरा पक्ष हानि भी होता है, प्रदूषण होता है, अपराध बढ़ते हैं, ये सब होता है, तो सबको गुण दोष के आधार पर सोच के जो उचित होगा करेंगे। सर, आपकी बायो पढ़ने के दौरान एक चीज सामने आई कि जुदेव जी से आपका काफी अच्छा लगाव था,
और ये कहा जाता है कि राजनीति में जो आपको आने के लिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उन्होंने इंकरेज किया, तो क्या जुदेव जी भी ऐसा कभी वाक्य हुआ चाहते थे कि आप सीएम बने? देखिए, दिलीप सिंह जुदेव जी राजनीति के हमारे आदर्श थे और वैसे ये राजनीति हमको विरासत में मिली है। हमारे दादा स्वर्गीय सरदार बोधनाथ साहब जब देश आजाद हुआ तो सन 47 में नॉमिनेट विधायक थे। उस समय नागपुर राजधानी होती थी, मध्य प्रदेश का भी गठन नहीं हुआ था। उसके बाद हमारे एक बड़े पिताजी स्वर्गीय नरहरि साई जी, वो कई बार विधायक रहे। 77 में रायगढ़ से सांसद भी थे और मोरारजी भाई की सरकार में वो राजमंत्री भी थे। हमारे एक और बड़े पिताजी स्वर्गीय केदारनाथ साई जी, वो विधायक रहे। हमारा एक भाई रोहित कुमार साई, वो विधायक रहा। और लगातार हम 2 बार विधायक, 4 बार सांसद रहे। तो हमारा परिवार ऐसा है कि आजादी के बाद से लगातार कोई ना कोई हमारे परिवार का विधायक, सांसद, मंत्री रहा है। तो राजनीति हमको विरासत में मिली है, लेकिन स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी वो हमारे आदर्श हैं, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, विनम्रता सीखी है उनसे। 25 साल उनके साथ हमने काम किया राजनीति के क्षेत्र में, लेकिन 25 साल में एक भी दिन उनको मतलब नाराज होते नहीं देखा। और हम कहते भी थे कि भगवान इनको बनाने में मतलब जो नाराज वाला है वो बनाया ही नहीं, इनको कभी नाराज होते नहीं थे। और कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देना, उनका सुनना, ये सब हमने उन्हीं से सीखी। सवाल था कि प्रधानमंत्री मोदी जी काफी इंकरेज कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को लेकर कि सब जगह इंडस्ट्रीज आनी चाहिए, वहां रोजगार आनी चाहिए, आप लोगों ने भी वादा किया है तो काफी मात्रा में रोजगार देने को लेकर, तो चूंकि जो आने वाले आप जो जिसमें आपकी सरकार है तो उसमें क्या योजनाएं हैं, क्या आप करने वाले हैं रोजगार को लेकर, उद्योग धंधे को लेकर, विकास को लेकर राज्य के, कुछ रोड मैप आप लोगों ने तैयार किया होगा? देखिए, अभी तो हम लोग इसी में व्यस्त हैं, आवास और ये बोनस वोनस में, लेकिन रोजगार के लिए सब भी जरूरी है, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे।